गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हासिल वाले जोड़। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल वाले जोड़, तो आज हम लोग देखेंगे हासिल वाले कैसे जोड़ होते हैं। यहाँ लिखा है 8 और 8 के नीचे लिखा है 0। अब 8 में हम लोग जब 0 जोड़ेंगे, तो पिछली क्लास में बच्चों बताया था कि जब किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, यानी 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। यहाँ लिखा है 3 और 3 में हम लोग जब 4 जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 और इसमें 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना हो गया, 7। यहाँ लिखा है 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 2 और जोड़ेंगे 1, 2 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ लिखेंगे 7। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 5। अब बच्चों पहले हम लोग 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें 5 और जोड़ना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब पूरी संख्या देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 चूंकि लिखते हैं ऐसे, तो 14 में जो इकाई का अंक होगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक होगा वो हम लोग आगे वाली संख्या पर लिखेंगे, यानी 9 के पहले वाली जो संख्या होगी वहाँ पे। तो 1 यहाँ लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया। अब 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 1 6 और 6 में 4 और जोड़ दें, 6 7 8 9 10 यानी 10 का फिर वही हो गया कि 10 कैसे ऐसे लिखते हैं, तो इकाई जो होगी वो हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो दहाई की संख्या होगी उसको हम लोग अगली संख्या पर लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 में जब 7 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो गया बच्चों, 16। तो यहाँ पूरे पूरा 16 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई और गिनती नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 9 और 9 के नीचे लिखा है 3, तो 9 में हम लोग जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 12 का फिर वही इकाई हम लोग इस संख्या के नीचे लिखेंगे और दहाई को हम लोग उसकी अगली वाली संख्या पर लिख देंगे। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 6 में 6 जोड़ेंगे तो फिर 12, 12 का इकाई हम लोग यहाँ लिखेंगे और दहाई हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 में 2 जोड़ें, 4 5 6 तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6 यानी हो गया 622। यानी हम लोग हासिल वाले जब जोड़ जोड़ते हैं तो जो हासिल आता है उसको हम लोगों को उसी संख्या में जोड़ना होता है। थैंक यू क्लास।